नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड, क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए या फिर जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें बेच के निकल जाना चाहिए या फिर उन्हें होल्ड रखना चाहिए, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। कंपनी के अगर बिजनेस की बात के तो बिजनेस आपको काफी स्ट्रांग देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे यह कंपनी 400 से ज्यादा प्रोडक्ट इस कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। वहीं अगर इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की बात करें तो आप देखेंगे 300 से ज्यादा प्रोडक्ट यह कंपनी खुद मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करता है। कंपनी के अगर रीच की बात करें तो 15 से ज्यादा कंट्री में यह कंपनी बिलोंग करता है, अपनी रीच बढ़ा चुका है। तो जाहिर सी बात है कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं इस कंपनी के और डिटेल की। दोस्तों अगर पिछले एक साल के चार्ट की हम बात करें तो आप देखेंगे यह कंपनी काफी तेजी के साथ ग्रो किया, उसके बाद इस कंपनी में काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। अगर इस कंपनी के करेंट प्राइस की बात करें तो इस कंपनी का करेंट प्राइस आ चुका है 50 DMA के नीचे और 200 DMA के नीचे। अगर इस कंपनी के 50 DMA की बात करें तो 12.83 रुपये का बनता है, जो कि काफ़ी पहले यह कंपनी ब्रेक कर चुका है। अगर इसके 200 DMA की बात करें तो 9.83 रुपये का लेवल बनता है, लेकिन आज यह कंपनी क्लोज हुआ है 9.05 रुपये पे। तो क्या शॉर्ट टर्म वालों को निकल जाना चाहिए? बिल्कुल, आप चाहें तो निकल सकते हैं। 9 रुपये का आपको स्टॉप लॉस पहले भी बताया गया था। कंपनी अगर इसको ब्रेक के नीचे जाता है तो आपको तुरंत एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद यह कंपनी 7.5 रुपये तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो देखते हैं इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में। दोस्तों अगर इस कंपनी के आप देखेंगे, ये जो इस कंपनी का कंसोलिडेशन जोन था, कंपनी जस्ट उसके नीचे आ चुका है। अगर यह कंपनी यहां से नीचे फिसलता है तो फिर इस कंपनी में एक बड़ी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, और जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड शॉर्ट टर्म वाले निकल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म वाले चाहे तो नीचे प्राइस पे इस कंपनी को एवरेज करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।